हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे जो एलर्जी के लिए टेस्ट किया जाता है, जिनको हम स्किन प्रिक टेस्ट कहा जाता है। स्किन प्रिक टेस्ट जो है एलर्जी के केस पे, हम लोग टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देख रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉलन ग्रेन्स एलर्जेंस की तरह एलर्जिक रिएक्शंस जो हमारे शरीर में कर सके उनको हम एलर्जेंस के नाम से जानते हैं। यह फूड एलर्जन हो सकते हैं, पीनट्स हो सकते हैं, कई लोगों को बादाम से एलर्जी होती है, कई लोगों को एयरबॉर्न मटेरियल्स से एलर्जी होती है, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स। आप देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स, अस्थमेटिक पेशेंट्स, अस्थमा भी एक एलर्जी का रिएक्शन है। एलर्जी को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें, वो सडन इम्यून रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर दे, जैसे अपन ने टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में देखा है ना। तो टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी में हमने देखा कि एलर्जेंस किस तरह से इम्यून सिस्टम में एबनॉर्मल और हाइपर सेंसिटिव कर देता है इम्यून सिस्टम को, है ना। तो हम स्किन टेस्ट कर सकते हैं कि व्यक्ति को किस एलर्जन से एलर्जी हुआ है। इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको जानना रहेगा, आपके स्किन में इस तरह से मार्किंग कर दी जाती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलर्जेंस रहते हैं, है ना, जैसे कि अल्टरनेरिया, एस्परजिलस, या जिस चीज़ से भी एलर्जी के सस्पेक्शन है। ग्रास भी एक एलर्जन हो सकता है ना, पीनट्स भी एक एलर्जन हो सकता है। तो हम एलर्जेंस को लोड करने के लिए सबसे पहले स्किन में मार्किंग कर देते हैं, और दो मार्किंग हम लोग पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल के लिए करते हैं। पॉजिटिव कंट्रोल के लिए हम लोग हिस्टामिन वहाँ पे मार्क करके वहाँ पे लोड करेंगे, और नेगेटिव कंट्रोल में हम लोग सलाइन हम लोड कर देते हैं। तो स्किन में मार्किंग कर दी जाती है एलर्जेंस के लिए, और रेस्पेक्टिवली हम लोग रखते हैं कंट्रोल्स के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स के लिए। अगला स्टेप होता है कि जितने भी एलर्जेंस है वो मार्क्ड जगह में आप इस तरह से ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे, जिस प्रकार से आप लोगों को दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे। उसके बाद आप यूज करेंगे लैंसेट। अब ये लैंसेट ब्लड टेस्ट करने के लिए, जो ब्लड टेस्ट या ब्लड ग्रुपिंग के लिए लैंसेट यूज़ करते हैं, वो उससे भिन्न होता है। ब्लड टेस्ट करने के लिए जो लैंसेट यूज़ किया जाता है वह 3 mm का होता है, 3 mm, और इसकी थिकनेस केवल 1 mm की होती है। अब इसकी थिकनेस केवल 1 mm के होने की वजह से यह स्किन के डीप अंदर नहीं जा सकता, केवल एपिडर्मिस तक ही जाएगा, डर्मिस वाले पोर्शन तक नहीं। एपिडर्मिस में ये जा करके थोड़ा सा हम उसमें प्रिक कर देते हैं। आजकल हम लोग देखे हैं कि स्किन स्क्रैच टेस्ट आता है, हम स्किन के जहाँ पे हमने एलर्जन लोड किया वहाँ पे स्क्रैच भी कर देते हैं, ताकि वो स्किन में वो एलर्जन पेनिट्रेट हो जाए। अब आप सोचिए, इस तरह से आप इतने सारे पोर्शंस को मार्क करते गए, मार्क करने के बाद हम लगभग 15 मिनट्स या 10 मिनट्स तक इस रिएक्शन को होने के लिए छोड़ देते हैं, है ना। अब हम लोगों को जहाँ कहीं भी जिस मार्क्ड पोर्शन में हम लोगों को आइडिया रहेगा कि हमने क्या क्या एलर्जेंस को लोड किया है, जिस रिएक्शन में शरीर में हो रहा है, कि शरीर में जिस चीज, जिस एलर्जन से एलर्जिक रिएक्शन होना है, उस मार्क्ड पोर्शन के इर्द गिर्द हमारे को रेडनेस शो करने को दिख जाएगा, रेड पोर्शंस हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो हम मार्क कर सकते हैं कि किस एलर्जन से व्यक्ति को कौन सी एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है। तो स्किन प्रिक टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है। एलर्जन्स वैरायटी ऑफ क्लासिफिकेशन एलर्जेंस करेंगे तो बहुत सारे एलर्जेंस हो सकते हैं। आपको ये बात पता है कि ल्यूकोट्राइन्स एलर्जिक रिएक्शंस के समय हाई हो जाते हैं, है ना। डीग्रेनुलेशन मास्ट सेल्स का होने लग जाता है, हिस्टामिन रिलीज होने लग जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी
टाइप वन में हमने ये चीज़ को पढ़ के रखा हुआ है। तो स्किन प्रिक्स टेस्ट इस तरह से सिंपल वे में किया जाता है। थैंक यू।